हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे और भी कुछ कोर्सेज पढ़ना चाहें तो उसके लिए आप मुझे unacademy.com पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना होगा unacademy.com/user/kumarketan, या फिर आप unacademy का लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और वहां पे आप मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी लेसन्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, वो सारे लेसन्स को पढ़कर आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube फैमिली मैजिकल एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे के एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस, और ये है हमारा पहला लेसन। इसी टाइप के आपके वो बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, तो सभी लेसन्स को ध्यान से देखिए और सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस कलेक्शंस हो जाएंगे आपके पास, बहुत सारे हो जाएंगे। जब तक कि आपका एग्जाम आने वाला होगा, हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और उन सारे क्वेश्चंस में से गारंटेड है कि बहुत कुछ आपके एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो बुक है, ये बुक किसने लिखी। चार ऑप्शन दिया हुआ है, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, विनायक दामोदर सावरकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन सी बुक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको लिखा था किसने, विनायक दामोदर सावरकर जी ने, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन दिया है आपका, ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न या फिर एनी बेसेंट। सही आंसर क्या है, जॉर्ज यूले। क्या पूछा था, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के बारे में पूछा था, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से बेल भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी आपके लिए मैं लेसन बनाऊं तो तुरंत ही आपको पता चल जाया करे। और ये जो काला सा लाइक बटन है, इसको नीला किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता, ये लिखा है अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1920, लखनऊ अधिवेशन 1916, बेलगांव अधिवेशन 1924 या फिर बंबई अधिवेशन 1942। तो सही ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन, बेलगांव अधिवेशन 1924 जो था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइमन आयोग नियुक्त किया गया, साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, 1925, 1927, 1928 या 1930। तो कब हुई थी दोस्तों, 1927, मतलब 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी। ओके, नेक्स्ट है कि सूरत विभाजन, जो सूरत का विभाजन हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था। चार ऑप्शन आपको देता है, ह्यूम, डफरिन, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तो सही ऑप्शन है आपका दोस्तों तिलक जी, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया। खिलाफत आंदोलन का समर्थन दोस्तों किसने दिया था। चार ऑप्शन है, ह्यूम, सर सैयद, करजन या फिर गांधी जी। तो सही आंसर है दोस्तों आपका गांधी जी। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसका समर्थन करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले थे, मतलब कौन गवर्नर जनरल कौन थे जो कि भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करना चाहते थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड डफरिन। सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। ओके, नेक्स्ट है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे और जो एनी बेसेंट थे, इनके थ्रू जो बनाया गया था होम रूल लीगो, क्या बनाया गया था, होम रूल लीगो, इनको आपस में एक में मिला दिया गया। कब मिलाया गया, 1916 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1923 में। तो इनको मिलाया गया था दोस्तों 1960 में, मतलब 16 में, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी कहां पर हुई थी। भैया मंगल पांडे की घटना मेरठ में हुई थी, बैरकपुर में हुई थी, अंबाला में हुई थी कि लखनऊ में हुई थी। तो सही आंसर है दोस्तों बैरकपुर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी, बैरकपुर में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि शारदा एक्ट संबंधित है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बाल विवाह, अंतर जातीय विवाह, विधवा विवाह या जनजाति विवाह, किस प्रतिबंध से संबंधित है शारदा एक्ट। वैसे तो बेसिकली दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये मूल विधि का क्वेश्चन है। ठीक है, और मूल विधि आपके जो रेलवे के एग्जाम, इसमें बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यूपी पुलिस के एग्जाम जो आने वाला है, उसमें खास करके पूछा जाएगा। तो इसके लिए एक आपके सर हैं रिपु सर, ये वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा अभी मेहनत कर रहे हैं ये, जल्द ही इनका वीडियो, मुझे लगता है कि मई में इनके सारे वीडियोज आएंगे, जिसमें से बहुत सारे वीडियोज मूल विधि पर होंगे, सिर्फ और सिर्फ मूल विधि, जिसमें हम लोग आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारी धाराएं, जितने एक्ट्स हैं, जितने नियम हैं, कानून हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, रिपुत सर आपको पढ़ाएंगे वहां पे। ठीक है, तो वहीं से एक क्वेश्चन है ये कि शारदा एक्ट संबंधित था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका रेलवे में, ये संबंधित दोस्तों आपका बाल विवाह है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, और भी दोस्तों, जैसे कि अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो
और भी को वीडियोस आप चाहेंगे देखना और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे 16 से ज्यादा सब्जेक्ट्स की लिंक आपको मिलेगी। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें आप उस लिंक पर क्लिक मारिए और आप उसके सारे वीडियोस देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने कुछ नीचे बुक्स की भी लिंक दे रखी है, अगर आप चाहो तो उनको भी खरीद लो ऑनलाइन, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि द्वैध सागर संघ कब लागू हुआ था। चार ऑप्शन आपको देता है, 1861, 1892, 1909 या फिर 1919। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही आंसर। तो कब लागू हुआ था दोस्तों, डी ऑप्शन 1919 में। कौन सा? द्वैध शासन। कब लागू हुआ था? 1919 में। और 1919 में एक और चीज हुई थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से जो फंडामेंटल चार्ज है आपके, फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो इसमें प्रोटॉन की जो खोज हुई थी वो 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों की भारतीय विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे ज्यादा उत्तरदायी किसने ठहराया, मतलब कि इन चारों में से कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने माना कि जो भारत का विभाजन हुआ उसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, सबसे ज्यादा उत्तरदायी थे। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन। तो डी ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही माना था कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना सबसे ज्यादा उत्तरदायी थे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था उसका हस्ताक्षरित कब हुआ, वो उस पर साइन कब हुआ। चार ऑप्शन है, 1965, 1971, 1972 और 1973। सही आंसर है दोस्तों आपका सी, 1972 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि चीनी यात्री हेनसांग ये किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। चार ऑप्शन है, तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। तो सही आंसर है डी ऑप्शन, नालंदा में पढ़े। नालंदा कहाँ पे है दोस्तों? बिहार में। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है? पटना है, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप पढ़िए तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हो ना वो सारी चीजें आप ध्यान रखा कीजिए, करेंट अफेयर्स हो या फिर जीके हो, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1937 में वो किस शहर में हुआ था। चार ऑप्शन है, गया, पटना, रांची, फैजपुर। सही आंसर है दोस्तों आपका डी ऑप्शन, फैजपुर। कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था। ओके, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। दोस्तों बौद्ध संगीति के अगर बारे में बात करूँ तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जब देखोगे ना तो हिस्ट्री का मैंने जो लिंक दिया हुआ है वहां पे मैंने उसको आप जब क्लिक करोगे तो देखोगे मैंने बौद्ध धर्म पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है बौद्ध धर्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। वहां पे मैंने चारों बौद्ध संगीति के बारे में बताया था कि कौन कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, उसके अध्यक्ष क्या थे, क्या उसका था, मतलब उसमें बहुत कुछ। तो वहां पे मैंने बताया है कि पाटलिपुत्र राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन तो यहाँ पे आपका सही हो गया, लेकिन अगर और डिटेल में आप जानना चाहो तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो अशोक का शिलालेख है, पहले जमाने में बहुत सारे शिलालेख लिखे जाते थे, अभी भी लिखा जाता है, शिलालेख मतलब पत्थरों पे जो लिखा जाता है, तो उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की गई है। अशोक के बारे में बात हो रही है तो संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो प्राकृत भाषा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। किसका प्रयोग किया गया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है कि बंगाल का जो 1905 में विभाजन हुआ था उसके बाद विरोध की उसके विरोध के फलस्वरूप जो दोबारा उसको विभाजित किया गया वो कब किया गया। पहली बात तो 1905 में किया गया, दोबारा 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1909 में, कब किया गया। सही आंसर है दोस्तों 1911, मतलब 6 साल के बाद इसको वापस से विभाजित किया गया था, दोबारा विभाजन इसका 1911 में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और लास्ट है दोस्तों कि विश्व रिकॉर्ड की जो पहली बुक है, जो गिनीज बुक है, वो पहली बार कब प्रकाशित की गई थी। गिनीज बुक के बारे में आपको पता ही होगा जिसमें सारे रिकॉर्ड्स के बारे में जो भी वर्ल्ड में रिकॉर्ड्स हो रहे हैं उनका मेंशन किया जाता है उसमें। तो ये सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी, 1950, 1954, 1960, 1963। सही आंसर है आपका 1954, 1954 में। ओके, तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और ये तो रिपीट हो गया है तो इसको छोड़ दीजिए। ये थे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर। इसी टाइप के और भी लेसन्स आपको मिलेंगे और सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं सब कुछ देख लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेसन बने तो आपको पता चले। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।